बच्चे देश के भविष्य हैं और शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल जाकर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं है। वाराणसी में एक ऐसा स्कूल है जहां जाने के बाद बच्चे अपने भविष्य को सवार पाएं या नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि ये स्कूल बच्चों को अस्पताल जरूर पहुंचा देगा। वजह वहां की शिक्षा नहीं बल्कि स्कूल के बाहर फैली गंदगी का अंबार है जो बच्चों को पढ़ने नहीं देता। बच्चे हर रोज सुबह स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल में आने के बाद कूड़े से आने वाली बदबू के कारण वो पढ़ नहीं पाते। बहुत गंदी स्मेल आती है। हम लोग क्लास में ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। रुमाल लग के पढ़ना पड़ता है। वहीं पर रास्ते में सुअर फेंके जाते हैं, गाय फेंके जाते हैं। बहुत गंदी स्मेल आती है। हम लोग यहीं से आते जाते हैं। कुछ बच्चों को बुखार भी हो गया है। बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को ढंग से पढ़ नहीं पाते, रुमाल लग के पढ़ना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम लोग गेट के अंदर घुसते हैं या उतरते हैं बाइक से, तब इतनी बदबू आती है जिससे हम लोग को परेशानी होती है। हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, जब बारिश होती है पानी से खूब मक्खी भिन बनाती हैं, उससे हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत होता है और कई सारे मच्छर काटते हैं। कहने को तो बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इस शहर को देखने के बाद कुछ ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि शहर के शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, हर तरफ गंदगी का अंबार सा दिखता है। नगर निगम शहर के साफ सुथरा होने का दावा करती है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सड़क का किनारा हो या फिर स्कूल, कूड़ा शान से आने जाने वालों को मुंह चढ़ाते नजर आएंगे। पहले भी शहर को साफ रखने की ढेरों कवायदें की गई, लेकिन सब सिफर ही रहा। न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।